जैसा कि आजकल चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, अभी हाल ही में बम्बई का भी मामला सामने आया है और मैं खुद ही 15 साल से विधायक हूं और असर ये होता है कि जब हमारी विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो हम लोग जो मुसलमान विधायक हैं वो असर कार्रवाई छोड़ के मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर विधानसभा में ही एक प्रेयर रूम हो, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि नमाज का टाइम हमारे यहाँ फिक्स है, जैसे 1 बजे की टाइम है तो 1 बजे होगी, 5 बजे वाली 5 बजे होगी, 6-7 बजे वाली 6-7 बजे होगी, जो उसका टाइम। अगर एक प्रेयर रूम छोटा सा ही सही, 4-5 लोग जहां जाए अपनी नमाज पढ़े वापस आके हाउस में रहेंगे, एक तो इससे कार्रवाई नहीं छूटेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी विधायक का क्वेश्चन लगा हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छेद का मामला है, उसने लगा रखा है और वही उसी समय में मान लीजिए अजान का समय है और वो ना तो क्वेश्चन छोड़ सकता है ना नमाज छोड़ सकता है। और क्योंकि नमाज पूजा ये सब आस्था का विषय है और मेरा मानना यह है जहां आस्था की बात है वहीं बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या दमस्ती एयरपोर्ट हो वहां भी ये छोटा सा प्रेयर रूम बना दिया गया है ताकि लोग अपनी इबादत कर सकें और आगे बढ़ सकें। और अगर ये अच्छा काम है, अगर विधानसभा अध्यक्ष जी चाहे तो इसमें विचार भी कर सकते हैं और एक कमरा बना देने से ना कोई हानि होगी ना किसी को कोई तकलीफ। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।